टीकमगढ़ में एक मेडिकल स्टोर में अचानक भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों की मदद से बामुश्किल आग पर काबू पाया गया। स्टेट बैंक चौराहे में उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्टेट बैंक के पास में स्थित मोहन मेडिकल और उसके ऊपर बने गोदाम में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें बहुत दूर से ही देखी जा सकती थी। नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते दूसरी गाड़ी को आने में 2 घंटे से अधिक का समय लग गया। इस दौरान आग ने 4 अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया और 4 दुकानें जलकर खाक हो गईं। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने की बात बताई जा रही है। बधाई हो तोमर जी, आपके बेटे ने तो पूरे जिले का नाम पूरा जीवन लगन से पढ़ाई की। शर्मा सर हमेशा कहते थे तुम बड़ा नाम कमाओगे। मौज मस्ती से दूर रहा। दोस्त कहते थे अंधा हो जाएगा पढ़ पढ़ के। सोचा था एक बार इंजीनियर बन गया तो माँ बाबू जी का त्याग सार्थक हो जाएगा। पर इन लोगों ने तो मेधावी छात्रों के फीस भरना ही रोक दिया। सालों का सपना एक झटके में तोड़ दिया। 26 किलो 63 रुपए हुआ बेटा तुम्हारा। मेरी प्रतिभा की कीमत 2.5 रुपये किलो लगाई गई। कैसी सोच है ये। गरीब हूँ इसलिए निष्ठुरता से भविष्य ही कुचल दिया मेरा। ये पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। अरे सुरेंद्र फटाफट चल, लोडिंग भरवाना है। अरे देख क्या रहा है, जल्दी कर, 5 मिनट में पहुंचना है। मालिक बेटा पढ़ाई करने शहर जा रहा है, अड्डे छोड़कर तुरंत आता हूँ। चल। टंडेरा साइकिल खुद चलाए और बेटे को पढ़ने भेजे शहर। वाह रे समझदार जी, डॉक्टर बनेगा, मेधावी है मेरा बेटा। पढ़ाई का खर्चा सरकार दे रही है मेरे बेटे को। प्रदेश में भाजपा सरकार वापस आ गई है। मालिक हर प्रतिभा को विश्वास है, एक शिवराज है जो साथ है। शिवराज है तो विश्वास है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।